अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हाँ अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं, जैसे स्टूडेंट ज़रा ज्वाइन करते हैं फिर अटेंडेंस से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके जी, लेट्स स्टार्ट विद अटेंडेंस। काफ़ी कम तादाद है, मतलब कुछ स्पेसिफिक रीज़न। चलिए खैर, हम अटेंडेंस लगाते हैं उतनी देर में, अगर कोई आ गया तो ठीक है। अब्दुल रहमान, अब्दुल्ला बिशारत, बिशारत नहीं है। दो मंसूर, इसको अब्दुल्ला को कह दो अटेंडेंस पहले इसकी ठीक नहीं है, ये अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज ये आहिस्ता आहिस्ता। जी सर, मैं कह देता हूँ सर। हाँ, एक ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रही है, स्ट्रेस से हो जाएगा। और ठीक है जी, अब्दुल्ला अब्दुल्ला भी नहीं। फान आसिफ, प्रेजेंस है। अल रिदवान मोहम्मद आसिफ, अल रिदवान मोहम्मद आसिफ, रिदवान आप लोग मीटिंग में मौजूद है, अपनी अटेंडेंस बोले। अली सुहेल, अली सुहेल, इत्शाम अहमद, सर अलिद्वान ने बताया पहले तो आप अपनी अटेंडेंस पे काम पे थे, पर वो मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया था साथ ही नेट पे। कनेक्शन ठीक हो जाए, कनेक्शन कहाँ पे लॉस्ट हो गया। अच्छा, अली सुहेल भी नहीं है, शाम भी नहीं है। फहद इफ्तिखार, प्रेजेंट सर। हाफिज फैजान भट्ट, हाफिज फैजान, हमजा ताहिर, प्रेजेंट सर। शाम सरवर, शाम सरवर, हसन अली, ठीक। खुरम शहजाद, यस सर, ठीक। मोहम्मद एहसन, मोहम्मद एहसन, मोहम्मद असद मैदी, यस सर, ठीक। मोहम्मद दाऊद मंसूर, प्रेजेंट सर, ठीक। हमजा रमजान, हमजा रमजान, यस सर, प्रेजेंट, ठीक। मोहम्मद हसाम सदीक, हसाम सदीक, ठीक। मोहम्मद खुनशान शाहिद, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर, ठीक। मोहम्मद मजहर, मोहम्मद मजहर, यस सर, ठीक। मोहम्मद शहरयार, यस सर, ठीक। मोहम्मद उमर फारूक, यस सर, ठीक। मोहम्मद उमर हयात,
मोहम्मद उमर हयात, मोहम्मद वकास। यस सर। ठीक, मुजतबा आमिर। मुजतबा आमिर। सुहेल करीम बुगटी। सुलेमान अहमद भट्ट। यस सर। ठीक, उज़ैर इफ्तिखार। प्रेजेंट सर। और कौन? ये भी लेट आया। वो स्टूडेंट जिसकी अटेंडेंस नहीं लगी उसने आफ्टर द टाइम भी ज्वाइन किया। चलें जी, दैट्स ऑल अबाउट अटेंडेंस। और अटेंडेंस को कोई खास सीरियस नहीं ले रहे क्लास के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, जो कि मुझे उनकी अटेंडेंस देख के फील हो रहा है। और ये एंड पे आप लोगों के लिए बड़ा सीरियस एक इशू बन सकता है शॉर्ट अटेंडेंस का, ठीक है। और ऑब्वियसली आप एलिजिबल नहीं होंगे एग्जाम में बैठने के, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्टर आप इंटरनेट का जो मर्जी एक्सक्यूज लेके आए। आपको जो नंबर ऑफ एबसेंटीज का एक पर्टिकुलरली एक कोटा दिया हुआ, वो इसीलिए दिया हुआ, ठीक है। और आप लोगों की एट द एंड टाइम तक अटेंडेंस लगती रहती है, और उसके बावजूद भी मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारी नंबर ऑफ एबसेंटीज मुझे इर्द गिर्द नज़र आ रही हैं। सो ये मैं फ्रॉम द डे फर्स्ट जो है इसके ऊपर मैं बड़ा सीरियस आप लोगों को जोर दे रहा हूँ। और कुछ लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे, तो फिर हालात उनको जो है ना उनके साथ पॉलिसी के मुताबिक जब पेश आएंगे तो फिर वो खुद ही ठीक हो जाएंगे, ठीक है। फिर दैट विल बी टू लेट, ठीक है। और इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को नहीं कह सकता, क्योंकि आप लोगों को ऐसे लगा हुआ ही ठीक समझ आ सकता है, वर्डिंग तो शायद आप लोगों को क्लियर ना हो, जो बिहेवियर है वो इसी तरह का ही है। सो खैर, वो एट द एंड ऑफ द डे देखा जाएगा कि अटेंडेंस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली है या नहीं है, ठीक है। बाकी किसी ने इतना सीरियस लेना हो तो ऑब्वियसली वो आए भी यहाँ पर, तो ये मजाक नहीं है। आपने ये कोर्स एक प्रॉपर रजिस्टर किया और डिग्री की एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इसको फॉर ग्रांटेड जो ले रहे हैं वो ऑब्वियसली खुद ही अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और हम कोई बेवकूफ़ नहीं है, ये अकलमंदी का मुजाहरा करते हुए एंड पे जितने भी एक्सक्यूजेज आएंगे उसको जो है ना बड़े ठीक तरीके से डील किया जाएगा। ये नहीं है कि आप बस ठीक है ऑनलाइन है तो आप बीच में एक्सक्यूजेज की भरमार करें और आपकी हर बात जो है उसको वैलिड कंसिडर किया जाए, ये इस तरह नहीं है, ठीक है। सो चीज़ों को ठीक तरीके से समझे। ओके जी, हमने ऑलमोस्ट तीन जो चैप्टर्स हैं उनको कवर किया था। और पहले चैप्टर में थोड़ा इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक्स हमारे पास थी। फिर जो सेकंड चैप्टर था वो हमारे पास प्लानिंग से रिलेटेड था, और थर्ड चैप्टर जो था वो ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड था। और उसके ऊपर आपके कुछ भी हमें और मिड टर्म में भी एक दो क्वेश्चंस थे। सो आई होप सो कि यू आर इन अ बेटर पोजीशन रिगार्डिंग प्लानिंग या ऑर्गेनाइजिंग जो है। अभी जो हमने चीज़ें स्टार्ट करनी है वो लीडिंग है, ठीक है। और लीडिंग को हम देखते हैं ये लीड करने से रिलेटेड है, जैसे हम एक लीडर का एक वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, और लीड करना, ठीक है। सो इसमें लीडिंग रोल होगा, उस चीज़ को हम स्टडी करेंगे कि इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के अंदर लीडिंग जो रोल है वो किस तरह से प्ले हो सकता है, क्या क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट है, और बीइंग अ लीडर जो है वो किस तरह का रोल प्ले करना चाहिए। ये थोड़ा पॉलिटिकल लीडर से ऑब्वियसली हट के है, ये इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। लेकिन बेसिकली जो लीडर या लीड या जो रहनमाई करता है या जो सारी चीज़ों को साथ लेके चलता है, उसका जो टेम्परामेंट है या क्वालिटीज़ हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं, ठीक है। उसने एक ब्रॉडर पिक्चर के ऊपर चीज़ों को देखना होता है, और उसको बड़े मुश्किल वक़्त में भी फैसले करने पड़ सकते हैं। डिसीजंस जो हैं वो बहुत दफ़ा उसको ऐसे लेने पड़ सकते हैं जिसमें आपके पास डेटा अवेलेबल ना हो, इन्फॉर्मेशन का आइडिया नहीं है कि वो ठीक है या नहीं ठीक, बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। सो जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड एक मैनेजर है, अगर उसको भी थोड़ा एक्सटेंड कर दिया जाए, लीडर के तौर पे कंसिडर किया जाए,
सो वो भी हमने देखना है कि उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, किन किन चीज़ों के ऊपर उसको फोकस करना चाहिए, और जो फोकस वाली चीज़ें हैं वो कुछ पॉइंट्स आपके सामने पहले रखता हूँ कि बेसिकली इसमें जो लीडिंग एक्टिविटी है इसमें 4 to 5 डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, मैं इनको 1 by 1 डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो ये है कि उसको चीज़ों को डिसाइड करना है, उसका काम ये है कि वो डिसीजन ले, ठीक है, और जो भी उसके पास बजट है, जो प्लानिंग है, जो स्ट्रेटजी उसकी है, जो नॉलेज अवेलेबल है, जो डेटा अवेलेबल है जिसकी बेस के ऊपर उसने डिसीजन लेना है, सो इन सारी चीज़ों को देखते हुए उसने एक डिसाइडिंग रोल जो है वो प्ले करना है। वंस उसने डिसीजन ले लिया, ऑब्वियसली उसको अपना जो डिसीजन है उसको कम्युनिकेट करना है, बाकी जो आप टीम है या अंडर उसके जो लोग हैं उनको वो डिसीजन वो बताया जाएगा, ऑब्वियसली तभी वो आगे काम चलेगा। और जब आपने डिसीजन बता दिया तो फिर आपको ऑब्वियसली मोटिवेट भी करना है एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, जैसे हम वर्क डेलीगेट करते हैं उनकी तरफ उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, उनको सेटिस्फाई करना है, और ऑब्वियसली उनका एक ट्रस्ट भी डेवलप करना है आपको। फिर उसके बाद ये है कि सिलेक्टिंग पीपल, जब आपने कम्युनिकेट कर दिया, लोगों को मोटिवेट भी कर दिया, तो अब आप देख रहे हैं कि कौन सा मतलब राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, कौन से टास्क के लिए कौन सा जो एम्प्लॉई है वो बेहतर है। और फिर ये है कि अगर किसी की किसी को कोई स्किल्स की ज़रूरत है, कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कोई हेल्प की ज़रूरत है, तो वो आप कर रहे होते हैं। ये एक्टिविटीज़ हैं एक लीडर की, ठीक है। सो इसके अंडर ये 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें हैं वो चलेंगी, और फिर इनकी हम डिटेल भी देखेंगे, ठीक है। सो अब दोबारा ज़रा बैकग्राउंड पे आ जाते हैं कि किस तरह से हमारे पास जो चीज़ें हैं वो काम करेंगी। अगर आप इस डेफिनेशन को देखें, इसको मेरे साथ ज़रा रीड आउट करें, ये जो चीज़ मैंने हाईलाइट किया, द ट्रू मेजर ऑफ द क्वालिटी ऑफ एन इंजीनियरिंग मैनेजर्स लीडरशिप, इस चीज़ को ज़रा रीड आउट करें। आई होप सो कि ये रीडेबल फॉर्मेट में आपके सामने है, इसका फॉन्ट या साइज इतना है कि आप लोग रीड कर सकें, एम आई राइट? यस सर, ठीक है, इसको देखें क्या उसके क्या ख्याल आते हैं। इस कोई भी एक क्विक वे में मुझे बता दे कि इसका क्या मतलब, वैसे तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये, लेकिन स्टिल बस कोई एक कमेंट कर दे ताकि कि मैं आगे सर वो ये कह रहा है कि एक ट्रू लीडर वो है जो अपने एम्प्लॉयज को डायरेक्ट उनको मतलब गोल को अचीव करने के लिए हेल्प करे सर, उनके एफर्ट से जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के जो है वो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अवेल हो रहे हैं। ठीक है, चलें ये एक दो आपने पॉइंट्स इनके देखे, ठीक है, ये नॉर्थ हाउस और 2015 का डॉक्यूमेंट हमारे पास, फिर कुछ और चीज़ें हैं इसके अलावा हमारे पास कुछ और हैं, ऑब्वियसली ये डिफरेंट कुछ डेफिनेशंस या कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एक लीडर के अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इसको ज़रा रीड करने की कोशिश करें, इस पर भी आप लोगों के कमेंट लेते हैं। अ लीडर हैज़ अ विजन, सेट अ गुड पर्सनल एग्जांपल, वो अपनी एक मिसाल सेट कर रहा है, उसका एक विजन है। हाँ जी, देखें इसको ज़रा, इज एबल टू अट्रैक्ट, अब ये जो पॉइंट है जो कि मैंने कहा था कि वो डिसाइड करेगा, और डिसाइड आप कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब भी कर रहे हैं, उनकी स्किल्स भी डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, और कम्युनिकेट भी लीडर ने कर दिया। ये कुछ 5 पॉइंट्स थे जो कि हमने खसूसियात देखी थी लीडर की, तो आप देखें कि क्या आपको इस स्टेटमेंट में उनकी झलक नज़र आ रही है जो मैंने आपको 5 पॉइंट अभी भी बताएं क्लास के आगाज़ में। यस सर, जी सर, ठीक है, इज एबल टू अट्रैक्ट, उनको ऑब्वियसली अट्रैक्ट करेगा, उनके लिए एक रोल मॉडल होगा, और वो ट्रस्ट
भी उसका डेवलप ऑब्वियसली होना चाहिए। रिटेन करना उसने ये, वो रिटेन उधर उसी वजह से रहेंगे, उसके पास उसी वजह से काम करते रहेंगे। अगर वो सेटिस्फाई होंगे, उनका ट्रस्ट डेवलप होगा, उनको आप चीज़ें ठीक तरह से कन्वे कर रहे हैं, उनका आपका मैसेज पहुंच रहा है, आप उनको मोटिवेट कर रहे हैं, जहां पर उसको टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत है आप उनको वो प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको वैल्यू दे, सारी चीज़ें जो हैं ये रिटेनिंग तभी पॉसिबल होती है। सो मोटिवेट एम्प्लॉइज टू यूज़ देयर एबिलिटीज़, यू ऑब्वियसली राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, जब लीडर उसको लगाएगा तो ये उनकी एबिलिटी से काम लेने वाले। ये किसी का एक एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ अगर नहीं है तो आप उसको अगर लगा देंगे तो आप उसके साथ ज्यादा करें ऑर्गेनाइजेशन के साथ, यू आर वो अनकम्फर्टेबल होगा और ऑब्वियसली वो रिटेन नहीं कर पाएगा और अट्रैक्ट भी नहीं होगा क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं है। एंड इंड्यूस देम टू विलिंगली डू देयर बेस्ट, जब आप उनको मोटिवेट कर देंगे फिर वो खुद से एक उसको अपनी विल समझते हुए, एक अपनी ख्वाहिश समझते हुए अपना बेस्ट एफर्ट पुट करने की कोशिश करें। मेरे ख्याल से ये बेस्ट एफर्ट पुट करने और सेटिस्फाई पे मैं बहुत ज़्यादा पहले चैप्टर्स के अंदर भी डिटेल में बात कर चुका हूँ, ठीक है, क्योंकि बिजनेस को जो चलाना होता है वो एम्प्लॉयज ही चलाते हैं। लीडर या ठीक है नो डाउट एक बड़े पैमाने पे है, लेकिन सारी इंट्रैक्शन और सारी आपकी जो मेन चीज़ है, लाइकवाइज हम जैसे मुल्क का कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो इसको चला रही है, ठीक है। सो ऑब्वियसली पॉलिटिशियंस आते हैं, उनके पास एक 5 ईयर का प्लान है, एक 5 ईयर का टेन्योर है, नेक्स्ट टाइम वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और जो ऑफिसर्स लोग हैं वो ऑब्वियसली 25 ईयर्स 30 ईयर्स तक उन लोगों ने सर्व करना है और वो एक फिक्स्ड पोजीशंस के ऊपर हैं और वो सारी चीज़ें कर रहे हैं रादर देन के जस्ट उनके ट्रांसफ़र वगैरह या उस सेंस में। सो मैं सेम इस चीज़ को एक माइंड में रखते हुए सोचता हूँ कि जो आपके पास लीडर है या ऑनर है, नो डाउट कि वो हमेशा के लिए उसका ऑनर है, हमेशा के लिए उसका लीडर है, लेकिन वो हर लेवल पे हर पॉइंट पे जाके इंटरेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, उसका रोल जो है वो बहुत कम है, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें जो कि करनी चाहिए एक लीडरशिप जिसके अंदर भी क्वालिटीज हो। अब एक और मैं आपको अगर आप देखें, सो इसको भी अगर आप पढ़ें, क्योंकि ये अभी ऑब्वियसली आज चैप्टर की मोटिवेशन है, ये उसको हम स्टार्ट ले रहे हैं। मैनेजर ड्राइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम ऑक्यूपाइंग हाई पोजीशन, ऑब्वियसली उनके पास जैसे आप कंसर्न अथॉरिटी कहते हैं या किसी को कहते हैं कि मैं इसके पास अथॉरिटी नहीं है या ये राइट पर्सन नहीं है जिसको आप ऑब्वियसली अपना इशू बता रहे हैं, सो उनके पास एक हायर पोजीशन होती है, एक अथॉरिटी होती है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये तो एक सेपरेट चीज़ है, अथॉरिटी होगी और हायर पोजीशन है, इससे काम नहीं चल सकता। काम किससे चलेगा? लीडर्स ऑन द अदर हैंड हैव द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस ओवर पीपल। इन्फ्लुएंस ऑब्वियसली अब ट्रस्ट की बेस के ऊपर होना है और उसने मोटिवेशन के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू, वर्क डेलीगेशन के थ्रू, एडमायरेशन के थ्रू, ये सारी चीज़ों के ऊपर उसने इन्फ्लुएंस लेना है, ठीक है। और वो कैसे आएगा? देयर पावर इज अटेंड बाय अर्निंग एम्प्लॉयज रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन। सो अगर इन चीज़ों को सारों, सो ये एक लीडर की एक क्वालिटीज़ हैं जो कि होनी चाहिए, ठीक है। और कुछ हो सकता है कि आप माइट बी लीडर बनने के लिए या आपको एक अच्छा लीडर होने के लिए माइट भी हो सकता है कि आप खुद से कुछ ट्रेनिंग्स ले रहे हों, कुछ चीज़ें सीख रहे हों, ठीक है। सो ये पॉसिबिलिटी है कि आप खुद से देख रहे हो कि क्या बेस्ट है। अब स्टाइल्स ऑफ द लीडरशिप, ये ऑब्वियसली आपको एक बड़ा अट्रैक्ट करेगा ये वाला जो टॉपिक है लीडरशिप का, उसका स्टाइल कैसा होना चाहिए, ठीक है। अक्सर यानी कि उसकी मेथडोलॉजी क्या है, उसकी थिंकिंग क्या है, उसका वे क्या है इस लीडरशिप क्वालिटीज़ को चलाने का। सो पहले हम नाम पढ़ लेते हैं फिर एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। एक है द नाइस गाय, ठीक है। एक है द लूजर, एक है द कंप्रोमाइजर। ये अब नाम से थोड़ा थोड़ा आपके जहन में कुछ फीलिंग्स आ रही हैं, ऑब्वियसली अभी देखते हैं क्या बनता है। द टास्क मास्टर, द आइडियल मैनेजर। अब आपने चार पाँच ये नाम पढ़े हैं, सपोज अगर इधर भी देखें तो अगर मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करूं, अब आप ये मैंने किए हैं, मैं पढ़ सकते हैं पांचों नाम, फिर अभी मैं एक्सप्लेनेशन देख लेता हूं। सबसे पहले क्या है? जी सर, क्या है, पढ़ें जरा ये पांच जो। सर एक नाइस गाय है,
एक लूजर है, एक कंप्रोमाइजर है, टास्क मास्टर एंड आइडिया मैनेजर। उम्मीद है कि थोड़ा थोड़ा आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये क्या चीज़ें हैं। इनको वन बाई वन देख लेते हैं, बहुत इजी। अब अगर आप इसको देखें, ये सपोज अगर टीचिंग एंड पे देखें तो ये हो सकता है, इस तरह का काम भी हो सकता है। अगर मैं देखूं, अब ये एट्रीब्यूट्स या ये नाम आपने किस बेस के ऊपर रखे हैं? लोगों के साथ उसका जो कंसर्न है, कंसर्न फॉर पीपल, या वो एम्फसाइज कर रहा है अपने टास्क के ऊपर। इन एट्रीब्यूट्स ये जो आप देख रहे हैं, ये किसी खसूसियत की बेस के ऊपर नाम है ना। अगर आप नाइस गाय कह रहे हैं तो ये किसी खसूसियत की बेस पे नाम है। क्या चीज़ें क्या हमारे पास नाइस गाय में क्या है जी? प्लेसेस टू मच वैल्यू ऑन सोशल एक्सेप्टेंस वाइल निगलेक्टिंग टेक्निकल टास्क। टेक्निकल टास्क के ऊपर उतना वो फोकस नहीं कर रहा, लेकिन सोशल एक्सेप्टेंस, जिस चीज़ को सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, माइट भी जिस चीज़ को एम्प्लॉयज या लोग या कस्टमर्स जिस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, उन चीज़ों के ऊपर तवज्जो दे रहा है। तो आप उम्दा ये ऐसे लोग हो गएंगे ना, क्या ख्याल सर? ये जब सर निगलेक्टिंग टेक्निकल टास्क से सर नेगेटिविटी नहीं आएगी, मतलब के एक सोशल नहीं आएगी। अभी हम पांचों पढ़ लेते हैं तो फिर डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है? नो डाउट अभी आपको नाइस को देख के ये फील हो रहा है कि ये तो काम ही ठीक नहीं कर रहा, तो इसका नाम नाइस की जगह कुछ और होना चाहिए। सो अभी पांचों हम पढ़ लेते हैं तो फिर मेरे ख्याल से हम बेहतर पोजीशन पे होंगे, ठीक है? इसको अभी ज़रा देख लेते क्योंकि बड़ा जेनेरिक सी चीज़ें, इंशाल्लाह अभी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती। क्वेश्चन ले लेते हैं ज़रा ना। सो चलें हम निगलेक्टिंग टास्क के ऊपर थोड़ा कम फोकस कर लेते हैं। हम अगर मैं फर्स्ट पॉइंट उसका देखूँ कि सोशल एक्सेप्टेंस के ऊपर इसकी ज़्यादा फोकस है, तो उसको उसने नाइस गाय का जो वर्ड है वो दे दिया। लूजर में क्या है कि नाइदर ऑब्टेन एक्सेप्टेंस फ्रॉम अदर्स नॉर गेट्स द जॉब डन। ना तो ठीक तरह से टास्क पे तवज्जो हो रही है और ना ही उसकी सोशल एक्सेप्टेंस, ठीक है? सो उसको लूजर के सेंस में आप कह रहे हो, दैट इज़ क्वाइट ऑब्वियस, ये बिल्कुल बात ठीक है। कंप्रोमाइजर बैलेंस बोथ द नीड्स ऑफ द पीपल एंड टास्क फैक्टर्स। टास्क और जो लोगों की नीड है या इस सेंस में उनको एक बैलेंस कर रहा है। कंप्रोमाइज कही होता है ना, कहते नहीं मैं ये कोई कम इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। दैट मीन्स कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं या जो टर्म्स हैं जो कंडीशंस हैं उनके ऊपर कोई नेगोशिएशन जो है वो नहीं होगी। मुफाहमती पॉलिसी है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो इंस्टेबिलिटी की वजह से आप मुफाहमत का वर्ड या इस तरह की चीज़ें बड़ी देखते होंगे, ठीक है, इस तरह के वर्ड। सो ये खैर बैलेंस किया जा रहा है, ठीक है। सो इसको कंप्रोमाइजर का उसका नाम दिया, क्या ख्याल है? कंप्रोमाइज के वर्ड का तो पता है ना कि आप। सो अब मैं अगर नेक्स्ट पे देखूँ ज़रा, मेरे पास और जो दो हैं। अच्छा, टास्क मास्टर जो है उसमें क्या है के इज इंटरेस्टेड इन गेटिंग द जॉब डन राइट विदाउट कंसर्न फॉर ह्यूमन फीलिंग्स। सो जो ह्यूमन फीलिंग्स हैं उसको एक साइड पे रखते हुए वो जो टास्क है उस पर तवज्जो दे रहा। अब जैसे शाम ने पहले पॉइंट पे क्वेश्चन उठाया, इस पर भी मुझे कुछ तहफात है, अभी मैं एंड पे बात उस पर करता हूँ। सो जो टास्क हैं उनके ऊपर वो फोकस कर रहा है, और जबकि वो सोशल एक्सेप्टेंस कह लें या ह्यूमन फैक्टर कह रहे हैं उनको, उनके कम तो जो टेक्निकलिटीज़ के ऊपर उसका फोकस है। और जो हेडिंग है उसकी टास्क मास्टर, तो मुझे ठीक लग रहा आलमोस्ट, ये कोई उसमें मुझे कोई मजायका नहीं लग रहा। नेक्स्ट में द आइडियल मैनेजर। अब आइडियल मैनेजर में क्या है कि गेट द जॉब डन, गेट्स द जॉब डन एंड एट द सेम टाइम मेक्स एवरी वन हैप्पी। सो इसमें क्या है कि आपको दोनों साइड्स की जो स्टोरी है, ठीक है, दैट इज़ अवेलेबल, वो काम भी ठीक से कर रहे हैं और लोग भी जो हम उससे खुश हैं। अगर आप इसी तरह ये उसने जो चार्ट बनाया एक्स एक्सिस के ऊपर पीपल्स हैं और वर्टिकल एक्सिस के ऊपर टास्क हैं, तो उस पर अगर आप उसको देखें, नाइस गाय वाला जो है ये लोगों पे सोशल एक्सेप्टेंस पे एक्स एक्सिस के ऊपर पीपल पे ज़्यादा तवज्जो दे रहा है, जबकि वर्टिकली टास्क पे इसका खास फोकस नहीं है। लूज़र जो है उसको देखें कि ना तो उसकी कोई खास एक्स एक्सिस पे वैल्यू, ना वाई पे, ना लोग उससे ऑब्वियसली एक्सेप्टेंस का लेवल है, ना टास्क का लेवल ठीक है। थ्री वाला जो कंप्रोमाइजर है वो इन बिटवीन है, हाफ ऑफ द वैल्यू उसकी पीपल के अंदर, हाफ ऑफ द वैल्यू टास्क के अंदर। अगर आप टास्क मास्टर को देखें तो फोर वाला पॉइंट वर्टिकली बहुत अप है, टास्क की वैल्यू हाई है,
ठीक है, और एक्स एक्सिस के ऊपर वैल्यू कम है। इसी तरह अगर आप फिफ्थ को देखें तो फिफ्थ आइडियल मैनेजर है, उसके टास्क की वैल्यूज भी ज़्यादा हैं और एक्स एक्सिस के ऊपर भी उसकी वैल्यूज है। सो दैट इज़ अ रफ चार्ट। अब मैं शाम वाली बात की तरफ अभी जाना, मुझे एक बात करने, अगर इसको देखें द टास्क मास्टर को जो उसने लिखा इज इंटरेस्ट इन गेटिंग द जॉब डन राइट विदाउट कंसर्न फॉर ह्यूमन फीलिंग्स। सो हमने जो अभी तक पढ़ा, अगर हम इम्प्लॉयज़ की फीलिंग्स को या कस्टमर्स की फीलिंग्स को या ह्यूमैनिटी को अगर इग्नोर करेंगे, तो मेरे ख्याल से ये तो हमने बड़ा बेसिक पढ़ा हुआ है कि इम्प्लॉय सेटिस्फाई हों, कस्टमर आपका सेटिस्फाई हो, तो ये वो कंट्राडिक्शन ही नहीं आपको फील होती अगर मैं इसी सेंस में देखूँ कि लोगों की फीलिंग्स को या मतलब किस तरह आप उसको इग्नोर कर सकते हैं या क्या। सो शायद यहाँ पर जो बात समझ में आती है वो कुछ इस सेंस में सेंस बनती है कि जो एक रीज़नेबल वे में जो ह्यूमन सेटिस्फेक्शन है, ऑब्वियसली उसको तो आपने पूरा करने करना है, अदरवाइज आपके कस्टमर या जो भी सपोर्ट है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर जब आपकी क्वालिटी के ऊपर कोई बात आ रही हो, ठीक है, जब आपकी पॉलिसीज़ के ऊपर कुछ बात आ रही, तो उसमें फिर थोड़ा सा आप कॉन्शियस होते हैं, आप अपने काम पर या अपनी टेक्निकल चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स तो है नहीं, ठीक है, कि आप उन चीज़ों के ऊपर देखें, सो टेक्निकल चीज़ों के ऊपर देखें। अब ये नाइस गाय पे आए थे जिनका क्वेश्चन था शाम, मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा उस पर सेंस डिवेल्प हो रही होगी कि जब उसने पांचों को कंपेयर किया ना, तो अब उसका माइंड भी आप मतलब समझ रहे होंगे कि इसमें टेक्निकल टास्क को वो किस हद तक निगलेक्ट कर रहा है, ठीक है। सो बाकी चार के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने एक बात की हुई है, उसने एक थोड़ी सी कैटेगरीज एक कुछ रखी हुई हैं उस सेंस में वो कह रहे, तो मेरे ख्याल से अब इस पे ज़्यादा थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। स्टार्ट में ऐसा लग रहा था जैसे टेक्निकल फैक्टर्स को लिया ही नहीं जा रहा और उसने काम का आगाज़ कर दिया, ठीक है। सो आई होप सो कि नाउ वी आर इन अ बेटर पोजीशन। तो ये खुद से ही अब क्लियर हो चुका हमें। अब इसी तरह जो एक लीडर है उसकी जो पांच पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे, ये तो चले कुछ एट्रीब्यूट्स के ऊपर आपने नाम या उसके कोई कुछ रख लिए। सो हमने जो चीज़ें की थी बेसिकली उसने डिसीजन लेना, उसने कम्युनिकेट करना, उसने मोटिवेट करना और उसने लोगों को सिलेक्ट करना ओबियसली टास्क के अकॉर्डिंगली और लोगों को डेवलप करना, ठीक है। जैसे अक्सर होता है कि उसने एक बड़ी अच्छी टीम बनाई है, अक्सर आप देखते हैं ना कि यार वो जो फलां मैनेजर है या फलां जो अदारा है उन्होंने एक बहुत अच्छी एक टीम बनाई हुई है, तो आप उस सेंस में एक अच्छी टीम एक किसी एक इंस्टीट्यूशन के अंदर एक अच्छी टीम किसको कहेंगे? ऑब्वियसली ये क्रिकेट या फुटबॉल की टीम नहीं है, मतलब कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेट्स से कोई स्पार्को है या कोई NTDC है, कोई वापडा है या कोई भी आप SNGPL है। सो जब आपके जहन में जब कोई कहता है कि वो एक बड़ी उनके एक फिट टीम है, सो उसमें आपके ख्याल में क्या कॉन्सेप्ट आता है, यानी कि आप इस बात को कैसे पिक करती हैं? सर एक चीज़ मैंने देखी है, मतलब कि जो सर्वर सर्विस प्रोवाइडर है ना, जैसे PTCL हो गए या प्राइवेट हो गए, तो सर PTCL की जो सर्विस है ना हमारे यहाँ, वो काफ़ी मतलब के अगर पीपल वाइज और सर्विस वाइज देखी जाए ना सर, सबसे अच्छी है। मतलब प्रोवाइडर्स जो प्राइवेट प्रोवाइडर्स हैं ना, वो ज़्यादा बेटर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इंटरनेट के हिसाब से, लेकिन जो ओवरऑल पैकेज हमें PTCL से मिलता है ना, कस्टमर सर्विस और बाकी जो चीज़ें सर, वो उनकी मैनेजमेंट A to Z मतलब के बहुत अच्छी है। तो लेकिन वो पूरा पैकेज उनका मतलब के लोग इसलिए नहीं लेते PTCL का, क्योंकि उनका थोड़ा सा भी ना बैक हैंड स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन ओवरऑल सर वो मतलब के उनकी टीम उन्होंने ऐसे मैनेज की हुई है कि वो किसी को कंप्लेन एक या दो दिन से ज़्यादा वो कंप्लेन रहने नहीं देते अपने वहाँ ऑफिस में, मतलब के उनकी हल हो जाती है, जो जो चीज़ मैंने देखी है। ठीक है, लगता है शाम का 1 to 1.8 का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। सो वो यानी कि उनके बेसिकली अफोर्डेबिलिटी की तरफ शायद आप कहना चाह रहे हैं कि जो उनके पैकेजेस हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक अनलिमिटेड पैकेज है या कोई स्टूडेंट पैकेज है। नहीं सर, ओवरऑल हर तरह से ना वो हर तरह की मतलब के नॉलेज भी रखते हैं, और मतलब के हर तरह के उन्होंने लॉग रखे हुए हैं कि
हर तरह की वो डील करते हैं हर चीज को, वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगी या प्रोवाइडर हो गए, हर चीज को वो सर बैलेंस रखते हैं। और उनका सर जो हेड मैनेजर है वो, उनको मैं पर्सनली एक दो दफा मिला हूँ, वो भी काइंडली बहुत अच्छा, मतलब के उनका बैकग्राउंड रहा है इन चीजों में। कहाँ पे आप गए थे इधर? जटा रोड पे काम किस इधर? सर फैसलाबाद की बात करें। सो ये जितने भी अभी अशाम ने बताई हैं सर, सर ये जितनी भी अशाम ने अभी बताई हैं सर्विस प्रोवाइडर और ये कस्टमर की, सर इनमें जो आपने ऊपर फाइव टाइप्स बताई हैं सर, ये मोस्टली जो है इस तरह की चीजें सर, ये जो टास्क वाला था फोर्थ वाला सर, यही मैक्सिमम जितने भी मैनेजर लेवल के बंदे होते हैं या जो भी इस तरह सर, वो मैक्सिमम जो है ना वो इसी तरह के होते हैं, मतलब वो टास्क पे कंप्रोमाइज नहीं करते। नाइस गाय वो थोड़े बहुत कंप्रोमाइज हो जाता है, लेकिन टास्क वाले पे वो ना टेक्निकल इश्यूज और ये वो चीजें जो है ना। जी सर यही मसला, ये बहुत अच्छा पॉइंट है उजैर का सर, यही मसला शुरू होता है जो हमारे प्रोवाइडर्स, जो प्राइवेट प्रोवाइडर्स है ना, वो यहाँ मसला सर क्रिएट करते हैं, टेक्निकल चीजों के लिए लूज कर जाते हैं। जी जी बिल्कुल सर, बहुत सारी चीजें नाइस गाय तो सर होते हैं सर, वो मतलब आपको कॉल पिक करके बहुत अच्छी तरह डील करते हैं, लेकिन वो सर फिर उतने एफिशिएंट तरीके से सर वो नहीं करते, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, हल नहीं निकालते सर। फोर्थ वाला मतलब एक आपकी नेशनल लेवल के ऊपर जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है और मेजोरिटी जितने भी आपके कनेक्शंस हैं बैंक्स वगैरह ने जो सर्विसेज ली हुई, डेडिकेटेड लाइंस ली हुई हैं, उसको पिक्सेल ही प्रोवाइड कर रहा है। और उसके अलावा बहुत सारी जो छोटी छोटी सर्विस प्रोवाइडर जो इंटरनेट हैं, उन्होंने भी पिक्सेल से ही लाइंस ली हैं, फाइबर की या इस तरह की। तो इनका एक वो एक बड़ा नेटवर्क है और एक ओल्ड नेटवर्क है सारा, वो एक्सचेंज के ऊपर कॉपर से ऑब्वियसली फाइबर पे आ रहे हैं, तो ये शुरू से यही लोग इसको डील कर रहे हैं और इस पर ऑब्वियसली उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। इस पर बहुत सारे लोग जो हैं और जब से ये चली है, कई लोग कई शिफ्ट्स के अंदर रिटायर हो चुके हैं इसको, मतलब एक एक ईयर्स के हिसाब से इसके अंदर लोगों का एक्सपीरियंस है। अब जो बैकएंड पे कोई अगर कोई नई कंपनी अगर आती है कोई छोटी मोटी, तो बैकएंड से वो पिक्सेल से एक कनेक्शन लेके और उसको आगे उसने डिस्ट्रीब्यूट। सर इसमें एक पॉइंट आ सकता है कि सिंसियर होना सर बहुत ज़रूरी है, मतलब कि मैंने सर बैंकिंग में भी देखे हैं लोग सिंसियर नहीं है, जैसे HBL सर बहुत बड़ा मतलब के बैंक हमारे मुल्क में है सर, लेकिन उनकी सर्विस इतनी गंदी है ना सर, 5-5 घंटे सर कोरोना में लाइन में लग के सर, तकरीबन वो कम से कम 30 से 25 लोग मसा सर वो फारिग करते हैं, इतना सर उन्होंने तंग किया हुआ है ना यहाँ हमारे, तो यहाँ मतलब कि 5-5 घंटे हम लाइन में खड़े रहते हैं, वो 30 से 35 लोग पता नहीं बड़ी मुश्किल से सर फारिग करते हैं, जिसमें से सर 5 मिनट या 10 मिनट भी पर पर्सन को दिया जाए तो वो कोई भी मेरे ख्याल से बैंकिंग का अगर काम हो वो हो सकता है मेरे ख्याल से। तो यानी कि उनकी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग से लेके हर तरह के फॉल्ट्स आपको नजर आ रहे हैं। सर लोग ना सिंसियर नहीं है सर, मतलब कि थोड़ा सा अपने काम को सिंसियरली थोड़ा सा करें ना, कि टाइम यहाँ टाइम भी बचता है और सर काफी चीजें भी हो जाती हैं। असल में ये कोर्स के अंदर भी आपने देखा, आज भी मैं पॉइंट बता रहा था और मैं आपको कह रहा था कि इसमें मैं सबसे ज़्यादा फोकस करता था, ये जो आप कह रहे हैं ना सिंसियर होना और अपने काम को ठीक से करना और अपने एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई करना और उनका आगे कस्टमर को सेटिस्फाई करना और लोगों का अपनी जगह पे जहाँ पे भी बैठे वहाँ पे खुश रहना, ये मैटर करता है, इसी ने काम चलाना था। अभी भी मैंने आपसे एक पॉइंट कहा था ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जो मैं दे रहा था, ये जो पॉलिटिकल लोगों के ऊपर कहा था, जो लोग मौजूद हैं उन्होंने ही काम करना है। आप बाहर के एंड से एक ख़ास हद तक डिसीजंस दे सकते हैं, ख़ास हद तक कोई चीज़ कह सकते हैं, विल उसी बंदे की है जो कि वहाँ पर बैठे हुए हैं बड़े लेवल के ऊपर, वो एक पॉलिसी तो बना देगा, लेकिन अगेन वही बात है लोगों को डील किसने करना है, कैशियर ऑब्वियसली अगर कैश ले रहा है या दे रहा है उसमें अगर कुछ फ्लॉज हैं तो सारा वहाँ पर मैटर करता है। ऐसे तो फिर एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होंगे, जिस तरह भी ये गैर से HBL के
उस रहा शाम का एक्सपीरियंस गंदा गया होगा, किसी और बंदे का अच्छा गया होगा, ये तो सारा फिर एम्प्लॉयर्स पे आ जाता है। उसी तरह शाम का एक्सपीरियंस पीटीसीएल में अच्छा गया, पीटीसीएल का अच्छा है और बंदे का बुरा गया होगा, इस तरह तो फिर वो ओपिनियंस डिफरेंट हो जाते हैं इसमें सारे। ये एक फीडबैक है, ये बेसिकली आप एक, ये वो चीज है जो कि आपने, आप लोगों ने उसका एक मियार सेट किया, आप लोगों ने उसके ऊपर बात की है। मैं इनको कुछ, क्योंकि मैं कुछ थोड़ी देर पीटीसीएल में रहा भी हूँ, लेकिन मैंने लोगों को उनके ऊपर, मतलब अक्सर लोगों को तंग देखा है, ठीक है। और मतलब अब ये उसको ठीक, अब ये उसको ठीक जिस सेंस में कह रहे थे वो भी मुझे बात मतलब समझ आ रही थी। मैं उनके नेटवर्क को, उनके लोगों को, वो जितना डीपली रूटेड है उस चीज़ को सारा जानता हूँ। अब बैंकिंग की मैं डेडिकेटेड लाइंस इस तरह की बात कर रहा हूँ तो उनको भी मैं जानता हूँ, जो कॉरपोरेट सेक्टर की लाइंस हैं क्या सीन है। सो वो एक बंदे को एक ऑब्जर्वेशन एक आ रही होती है कि ये अभी सपोज हो सकता है कोई बंदा ये कह दे कि सर बारिश में उनका नेट चला जाता है और दो दो तीन तीन दिन तक आता नहीं है, ठीक है। कॉपर की हो सकता है वायर है, बार डीबी में लगी हुई है, उसको रस्ट या कार्बन आया हुआ, उसको कोई ठीक नहीं कर रहा और वो इस तरह के आपको इश्यूज आ रहे हैं। नॉन टेक्निकल आपका कस्टमर हो सकता है, आप उसको कुछ कह रहे हैं वो कुछ और कर रहा है, ठीक है। ऐसे लोगों को भी देखा है जो कि हेल्पलाइन पर चलती कॉल के दौरान सेट से अपनी वायर निकाल देते हैं, समझ आ गई ना बात कि आप हेल्पलाइन पर कॉल मिला के। सो मतलब बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन अब बीइंग अ टीचर भी मेरा भी जो रोल है वो इस तरह का है कि जो कोई कुछ कहना चाह रहा है मैं उसके लेवल पे आके उसकी बात समझूं कि अच्छा ये वहाँ पे गया होगा तो इसको ये क्या चीज़ें फिर। सो इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा रेटिंग्स वगैरह के 1 से लेके 5 तक रेट करें, ठीक है। सो कोई किसी पर टिक कर रहा है, कोई किसी पर टिक कर रहा है, इसी तरह कमेंट्स है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, तो आप ओवरऑल सारों का फिर एक कुमुलेटिव एक पॉइंट लेते हैं। उसमें सारे बायस्ड भी नहीं हो सकते, उसमें सारे आपके अपने रिश्तेदार भी नहीं हो सकते, समझ रहे ना। तो एक आपके पास एक अनबायस्ड एक पोजीशन आ जाती है कि लोग उसके बारे में किस तरह का ख्याल करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते, ठीक है। तो एक ओवरऑल एक सेटिस्फेक्शन आपके पास आ जाती है। अगर उनका कस्टमर नंबर ऑफ कस्टमर्स उनके अगर इंक्रीज हो रहे हैं उससे भी आपको आइडिया हो जाता है। अगर उनके कुछ सोशल मीडिया पर कुछ पेजेस हैं और वहाँ पर हर कोई ख़राब ही कह रहा है तो लाजमी नहीं है कि ऐसा ही हो। आपने पाकिस्तानियों को देखा 5-5 अकाउंट रख के या तो तारीफें कर रहे होते हैं या कुछ और कर रहे होते हैं, बात समझ रहे हैं ना, ठीक है। किसी मतलब वाकफ कार का पेज है तो उस पर आपको अच्छी तरह पता है कि आप किस तरह की रेटिंग्स उस पर दे रहे होते हैं। और अगर किसी एक के साथ इशू है तो आप उसको, अक्सर हमें ग्रुप्स में मैसेज आते हैं कि वोटिंग हो रही है तो यहाँ पर फलां को वोट करें, आपने देखा होगा ऐसा, ठीक है। सो आपका उसके साथ कोई कंसर्न ही नहीं है, आप अपने एक दोस्त के बेस के ऊपर वहाँ पर टिक्स लगाए जा रहे हैं। सो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर इनका एक मियार भी एक डिफरेंट होता है जब आपके पास बहुत सारे ऐसे पैमाने हैं जिनको आप देखते हैं। आपकी एक टेक्निकल कंप्लेंट की टीम है ना, आप सोशल मीडिया को छोड़ देते हैं, आप अपनी टेक्निकल कंप्लेंट को देखते हैं कि वहाँ पर कितने लोगों ने कंप्लेन लेट से की है, और उन कंप्लेंट्स को जब आप इन्वेस्टिगेट करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये कोई पर्सनल रिवेंज है, टेक्निकल इशू है। सपोज आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आपकी ट्रांजेक्शन जब कहीं स्टक ही नहीं हुई तो आप कोई डाल सकते हैं कोई कंप्लेन के जी मैं इसको यूज़ करता हूँ तो अक्सर मेरी ट्रांजेक्शन स्टक हो जाती है। तो कहते हैं फॉर एग्जांपल आपसे कोई कोई एग्जांपल के तौर पे कोई चीज़ मांगते हैं तो आपका क्या क्या ख्याल है कि ऑटोमेटेड सिस्टम के अंदर आपकी सारी ट्रांजेक्शन की इन आउट और सारी पंचिंग सारी चीज़ अवेलेबल नहीं, तो क्या आप मतलब इस तरह पढ़े लिखे एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए इस तरह की फॉल्स स्टेटमेंट वहाँ पे तो नहीं दे सकते, या उन्होंने रिजॉल्व कब किया, कब कंप्लेन लॉन्च हुई, कब किधर आई है, ये सारा डेटा वहाँ से, ये फिर पर्सनल चीज़ें साइड पे रह जाती हैं जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं और ये सारी चीज़ें, बात समझ रहे, ठीक है। सो ये एक ओपिनियन हो सकता है डिफरेंट, लेकिन उनका जो एग्जैक्ट मियार है वो फिर किसी और चीज़ के ऊपर जो है वो, ठीक है। ये इस तरह सर, दूसरी बात सर, ये जो ऊपर सबसे फर्स्ट वाला सर नाइस गाय वाला आपने पढ़ा था सर, ये जो गवर्नमेंट सेक्टर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन सर प्राइवेट सेक्टर में जितने भी है ना ये नाइस गाय बिहेवियर सर, ये इनके कस्टमर के लिए होता है, एम्प्लॉय के लिए तो बिल्कुल भी सर नाइस गाय बिहेवियर नहीं होता किसी भी लीडर का, वो चाहे सर आपके प्रोजेक्ट का मैनेजर हो या फिर ओवरऑल हो या डायरेक्टर हो सर, वो जो है ना वो सिर्फ कस्टमर के साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखते हैं, एम्प्लॉय को तो सर बहुत खींच के रखते हैं बाद का सर मैं सर ये आप यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट में भी देखें,
मैं वही कहने लगा था कि आप आप टीचर को भी कह सकते हैं कि वो हेड के साथ नाइस गए, लेकिन हमारे हमें बहुत खींच के रखता है। सो जी सर, सर मल्टीनेशनल कंपनीज में भी देख ले सर, उनकी प्रोडक्ट में अगर कोई भी थोड़ी सी भी अगर माइनर सी भी आ रही है चेंजिंग या कोई उनका फीडबैक अच्छा नहीं आ रहा, तो वो पूरी पूरी शिफ्ट को फारिग कर देते हैं। तो सिर्फ ये नाइस गाय बिहेवियर ये कस्टमर के साथ ही होता है इनका, बाकी एम्प्लॉयज के साथ कोई नाइस बिहेवियर नहीं। असल में दो तीन चीज़ें होती हैं। जब ऑब्वियसली आपको हेड या कोई चीज़ कोई बंदा काम कह रहा होता है ना कि ये आपने काम करना है, और वो थोड़ा जस्टिफिकेशन उसकी बन रही होती है ना, ठीक है। सपोज लेट्स से मैं सपोज करता हूँ कि मुझे कह देते हैं कि आपका अटेंडेंस जो है वो फर्स्ट स्टार्ट में भी लगाया करें, एंड पे भी लगाया करें, लोग आते हैं और बीच में अटेंडेंस लगवा के निकल जाते हैं, तो ये एक जेन्युइन इशू आपको पता है अगर आप इसको ईमानदारी से देखें। सो मुझे जब इस तरह का लेट्स से एक डिसीजन मतलब एक ओपिनियन मिला कि वसीम आपने ये काम करना है, मैं ऑब्वियसली उसको मुझे पता है कि ये चीज़ होती है, मुझे वो बात समझ आ रही होगी अपने हेड की, और मैं कहूँगा कि हाँ ठीक है सर, यस सर, जी सर, बड़ा एक पोलाइट वे में ऑब्वियसली मैं कह दूँगा, मैं चीज़ को समझ भी रहा हूँ कि हो क्या रहा है और ये क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या चीज़ है। और ऑब्वियसली मेरा वहाँ पर कोई बिहेवियर देखेगा तो वो नाइस गाय वाला सीन ही देखेगा। जो ही मैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हुए यहाँ पर जब कहूँगा, और ये आपने बड़ी अच्छी तरह आप लोगों को पता है, पाँच छः छः हर बंदे की एब्सेंटीज हैं रिगार्डलेस ऑफ द फैक्टर के, एंड वे भी कहता हूँ कौन लेट आया था वो लगवा ले, जाते वक्त भी कौन ले, अगर आप इन्हें ट्रू सेंस पहले 10-15 मिनट के देखें तो मेरे ख्याल से 80% ऐसे हो के शॉर्ट अटेंडेंस होके बैठी हो, ठीक। सो जब मैं इम्प्लीमेंट करूँगा तो मुझे एक स्ट्रिक्ट वे में करना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, अदरवाइज काम कभी नहीं होता, ठीक है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि कोई गलती से क्लास ख़त्म हो जाती तो बाज़ दफ़ा एक नोटिफिकेशन आया होता है कि सपोज यूज़र हैज़ जॉइंड द मीटिंग, समझे बात को, क्लास मेरी होगी है, मैं 4-5 बजे घर जा रहा हूँ, मैं लिफ्ट के अंदर हूँ, तो मुझे एक लेट से एक नोटिफिकेशन आता है कि फ़लाँ हैज़ जॉइंड योर मीटिंग, मैं कहता हूँ अच्छी बात है जी करें ज्वाइन, क्योंकि ऑब्वियसली होस्ट तो वहाँ पर अवेलेबल नहीं होता। और अब ये जो बिहेवियर होगा ऑब्वियसली जब मैं कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट करूँगा तो वो जो है ना वो मुझे सारी चीज़ का एक वो पैमाना समझेंगे, ठीक है, कि वो जिस सर नहीं ठीक। अब स्टेटमेंट बड़ी कॉमन सी होती है, आपको एक बड़ी अच्छी सी स्टेटमेंट बताता हूँ, आपको भी बोलते बोलते 4 साल हो गए होंगे, एक बड़ी सी एक स्टेटमेंट होती है कि सर ने फेल कर दिया और सर ने ना ऐसे कर दिया, ये स्टेटमेंट आपने सुनी हुई है कि लेट से फलां सर ने फेल कर दिया और फलां सर ने ऐसे कर दिया, ऐसी ईमान सुनी हुई। अब आप मुझे मज़े की बात ये बताएं कि अगर आप डेली आ रहे हैं तो सर आपको ऐसे कैसे कर सकते, क्या कभी किसी ने ये स्टेटमेंट यूज की है कि समझ नहीं लगी ऐसे? जी समझ नहीं लगी आपकी लास्ट वर्ड। मैं बताता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप शॉर्ट अटेंडेंस होते हैं तो आप एक स्टेटमेंट यूज करते हैं कि सर ने ऐसे कर दिया, क्या ख्याल है, ये स्टेटमेंट होती है? अच्छा सर, शॉर्ट अटेंडेंस, जी जी शॉर्ट अटेंडेंस, अच्छा ठीक है, अब सर ने ऐसे कर दिया, क्या आपने कभी ये फिक्रा सुना है कि यार उस कोर्स में मैं ना शॉर्ट अटेंडेंस हो गया था? मेजॉरिटी आप कहेंगे सर ने, स्टेटमेंट ही गलत है, ठीक है, मतलब क्या सर कैसे कर सकते, ठीक। सो होता क्या है, एक पॉलिसी आ गई और वो सबको पता है फ्रॉम द डे फर्स्ट, एक पॉलिसी को पता उसे इम्प्लीमेंट नहीं करना। सेम यही होता है जब आप किसी इंडस्ट्री में जाते हैं तो जब आपका प्रोजेक्ट मैनेजर या टीम लीड आपको किसी एसओपी के ऊपर किसी काम की बेस के ऊपर उसके पास अथॉरिटी होती कुछ कहता है तो आपने एक खुद साख्ता एक इमेज बनाया होता है कि ये ऐसे हमें करेगा, हम लट से जी बहाना लगाएंगे तो ये हमारी बात भी मानेंगे, सारी चीज़ें। सो कभी उसको कोई अपने ऊपर नहीं लेता। फिर इसी तरह एक स्टेटमेंट होती है कि सर ने फेल कर दिया। अब मैं अक्सर मतलब सोचता हूँ, मैं बाकियों के नहीं बताया, मैं अपने कोर्सेज के हिसाब से देख रहा होता हूँ, मैंने क्विज़ लिया, क्विज़ मैंने आपको वापस कर दिया ऑनलाइन को तो चले साइड पे करें ना, आपका क्विज़ हुआ चेक हुआ क्विज़ आपको वापस कर दिया, और मेजॉरिटी वो न्यूमेरिकल टाइप और इंजीनियरिंग में इस तरह की चीज़ें, आपने नंबर वंबर देखे ओके हो गया काम, मिड आया आपने रिव्यू कर लिया, फाइनल आया आपने रिव्यू कर लिया, आपने अपनी हर एक एक असेसमेंट को देख लिया, और देन ग्रेडिंग्स और उस तरह की चीज़ें, तो ऑटोमेटिकली आप कहीं लो पे फॉल कर रहे हैं कभी हाई पे कर रहे हैं, उसमें भी
क्या होता है कि सर ने फेल कर दिया अगेन, मुझे मेरे जहन में अक्सर क्वेश्चन आता है कि क्या टीचर्स के पास कोई मशीन है कि उसके अंदर उसका कोई बॉडी का पार्ट करे पंच होके बार कोड लग के बाहर आ जाए, ऐसा तो कहीं नहीं। आपके अपनी एक एफर्ट्स हैं और उसको कोई कमिट नहीं कर रहा, कोई ये नहीं कह रहा कि यार मैं उस कोर्स में मेरी प्रिपरेशन ठीक नहीं थी और आई वॉज अनएबल टू पास दैट पर्टिकुलर कोर्स, नो वन इज सेइंग दैट। वो क्या होगा कि सर ने फेल कर दिया, सर ने ऐसे कर दिया, प्रोजेक्ट मैनेजर ने यूं कर दिया, टीम लीड ने ये कर दिया, फलां ने इस तरह कर। सो ये हमने एक हम एक इनक्लाइंड है, हमने खुद से एक स्टेटमेंट्स बनाई हुई हैं। इसी तरह माइट भी ऐसी कुछ स्टेटमेंट हो सकता है हम भी यूज़ करते हो कि उसने यूं करके कर दिया, उसने यूं करके कर दिया, माइट भी हम एक रियलिटी की तरफ जाते ही नहीं, ठीक है। सो ये बाज़ दफ़ा इस तरह की चीज़ें होती हैं कि हमने खुद से कुछ इमेज बनाए होते हैं कि हमारा जो एक्सक्यूज़ है उसको फलां बंदा इग्नोर करेगा, फलां को फलां करेगा। सो इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमने की होती हैं और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम। और होता क्या, आपने अक्सर देखा होगा जो थोड़े एक्सपीरियंस टीचर होते हैं या थोड़ा एजड होते हैं वो अक्सर जी वो सर कोई सी एक्सक्यूज़ को नहीं मानते, यूँ यूँ इस तरह हो सकता है अपने आगाज़ में वो भी मानता हो, ठीक है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब उसके पास नंबर ऑफ क्यूरीज और उसका एक एक्सपीरियंस जो है, आपको क्या पता है कि उसने किस टाइम पे स्विच की अपनी सारी थिंकिंग, उसके पीछे एक पूरी एक बैकग्राउंड एक पूरी एक स्टोरी होती है। अदरवाइज एज एन ह्यूमन जो सारे हैं मतलब इंसान की एक फितरत है कि वो थोड़ा जज्बाती भी है, वो थोड़ा फितरी तौर पर दिल का ज़रा हल्का भी है, कमज़ोर भी है, चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट भी होता है, माइल भी होता है, ये सारी चीज़ें हर बंदे में हैं मौजूद हैं, लेकिन वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑब्वियसली डेवलप हुआ होता है, उसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी हो सकती है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ों से वापस हम आ जाते तो इस पर ज़रा देख लेते, तो डिसीजन बेहतर करे वो, ठीक है, उसके पास जो जो चीज़ें मौजूद हैं, रिसोर्सेज है, पॉलिसीज हैं, प्लानिंग है, कोई डेटा है, कुछ भी जो चीज़ है उससे अपनी तरफ से वो बेस्ट चीज़ को अखज करके कोई ना कोई चीज़ डिसाइड करे, और जब डिसाइड करे तो ऑब्वियसली कम्युनिकेट करेगा तो आगे काम चलेगा ना। उसने एक फैसला ले लिया, दिल में सोच लिया, तो रोज़ रात को सोच के सो जाता है, तो जब तक किसी को बताएगा नहीं अपने लोअर सबऑर्डिनेट्स की तरफ कैसे चीज़ें होंगी, तो उनको कम्युनिकेट करे, बताए, उनको इम्प्लीमेंट करने में किसी किस्म का कोई इशू है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई प्रॉब्लम है, उसको ठीक करे, लोगों को मोटिवेट करे। सम टाइम आप कोई काम कह देते हो और आपको ऐसा लगता है डूएबल ही नहीं है, सो लीडर जो है उसका काम है मोटिवेट करना, ठीक है, जैसे आपको कहा जाता है कि आपने घबराना नहीं है, ठीक है। सो मोटिवेशन जो है वो बड़ी ज़रूरी है, ठीक है, इंस्पिरेशन इनकरेजिंग, जिसको दिल नहीं है अपनी के लोगों को छोड़ना चाहिए, वो ऑब्वियसली अपना काम जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। और अगेन ये जो सारी चीज़ें ना ये बतूनी नहीं है, ये कुछ टेक्निकल हम चीज़ें कर रहे हैं। आप उनको मोटिवेट या कम्युनिकेट या उनका ट्रस्ट तभी डेवलप कर सकते हैं जब आप ठीक से कोई काम कर रहे हैं, ये इलेक्शन के वादे नहीं हैं, ठीक है ना, कि यूँ कर देंगे वो कर देंगे। जब आप किसी इंडस्ट्री में होते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे वेल एजुकेटेड लोग हैं, और अगर मिनिमम भी किसी की क्वालिफिकेशन है तो माइट बी लोअर स्टाफ की और वो भी 10-12 पढ़े हुए हैं, वो चीज़ों को समझते हैं कि आप कहाँ पर उनको गोलियाँ दे रहे हैं, कहाँ पर काम कर रहे, तो सिर्फ बातों से नहीं, आपको प्रैक्टिकली काम चलाना होगा। राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब सेलेक्ट कर लें, ऑब्वियसली फिर वो आपको आउटपुट भी देगा। गार्ड वाले काम पे गार्ड को लगाएं, इंजीनियर वाले काम पे इंजीनियर को लगाएं, ठीक है, मार्केटिंग वाले पे मार्केटिंग एंड सेल्स वाले को उसके ऊपर लगाएं। और जब आप देखते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो आपकी एक टीम है उसको अगर किसी जगह पर हेल्प की ज़रूरत है, कोई ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है, स्किल्स की ज़रूरत है, तो आपको पता है कि ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं, सारा कुछ होता है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि होनी चाहिए एक लीडरशिप क्वालिटीज़ जो होती हैं उनके अंदर ये चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, बाकी नंबर आप लोगों ने देख लिए होंगे, वो सारे मामलात हो गए, असाइनमेंट मेरे पास आई हुई है, इंशाल्लाह उसको भी जल्द जो है वो चेक कर लेंगे। नंबर ठीक ही थे लेकिन इम्प्रूवमेंट्स की जो है ना, वो जैसे कहते हैं ना दवाओं की दरख्वास्त है, तो इम्प्रूवमेंट की दरख्वास्त है मज़ीद, ठीक है, थोड़ा चीज़ों को इम्प्रूव करें, लूप होल्स हैं बीच में काफ़ी, ठीक है। और ये 20 मार्क्स का आपका मिड था, 20 नंबर का, 25 का ऑब्वियसली नहीं था, आपका 20 नंबर का था, 10-10 के दो क्वेश्चन थे और उसके मार्क्स जो है लग चुके। असाइनमेंट को भी मैं इंशाल्लाह विद इन दिस वीक उसको मैं देख लूँगा, ठीक है जी। आज यूनिवर्सिटी की कोई पता है कब खुलेगी? यूनिवर्सिटी का
नहीं पता शफकत महमूद से इतनी अच्छी हेलो है नहीं है, ठीक है पार्टी के ज़रूर हैं लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का डिसीजन होता है ना गवर्नमेंट लेवल से और हेल्थ जो डिपार्टमेंट है उस लेवल से चीज़ें मूव ऑन होती हैं, ठीक है इसमें जस्ट एकेडेमिया इन्वॉल्व नहीं है तो इसलिए प्रेडिक्शंस जो हैं वो गलत भी हो सकती हैं, लेकिन इवेंचुअली जो स्कूल्स के एग्ज़ाम हैं 10th और 12th के उसका स्केड्यूल ऑब्वियसली आ चुका है और उस पर कोई प्रमोशन क्राइटेरिया नहीं है और फिर उसके बाद 9th और 11th के लिए भी वो सोचेंगे, तो मेरे ख्याल से एक वो एक पैटर्न ही है कि आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्सिटीज़ के पास वैसे बड़ा रूम और स्पेस अवेलेबल होती है इस सेंस में कि वो चीज़ों को मैनेज करने में, बोर्ड्स के पास बल्क में डेटा होता है वो ज़रा मतलब स्टूडेंट्स होते हैं उनको बल्कि मुश्किल होती है, यूनिवर्सिटीज़ को कदरे आसानी होती, तो चांसेस ये हैं कि फाइनल्स वगैरह और आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो कैंपस के अंदर ही इंशाल्लाह होंगी, ठीक है ये मतलब एक मेरी थिंकिंग है, लेट्स सी के क्या होता है, लेकिन ऑब्वियसली जो भी चीज़ होगी वो फिर गवर्नमेंट लेवल से कम्युनिकेट होती है देन वो HEC से फिर यूनिवर्सिटीज़ को आती है और वगैरह वगैरह इस तरह की कुछ चीज़ें, आपको मेल भी कभी कभार करता हूँ थोड़ा मेल करने के बाद आपका ये माशाल्लाह से मैनेजमेंट स्किल्स हैं सर, वो मैं ज्वाइन कर रहा था गाइस आ रहा था तो थोड़ी देर बाद ज्वाइन किया फिर हो गई थी ये कुछ ऐसी चीजें हैं, किसी बंदे ने कहा था कि एक्सक्यूज क्या लगाना चाहिए टीचर को क्या कहना चाहिए, तो उसने कहा आप सर को ना पेट का कह देंगे पेट खराब है क्योंकि ऑन द स्पॉट वो डिटेक्ट भी नहीं हो सकता कि खराब है या नहीं है ना, सो ये उसी तरह ये पेट खराब वाली चीज है कि ज्वाइन कर रहा था ज्वाइन हो नहीं रही थी, सो चैलेंज दैट्स क्वाइट गुड सर अटेंडेंस हो गई है अटेंडेंस तो चैलेंज जो लेट हैं वो बता दें शाम सर्वर हम जी लगा दिए अब्दुल अफशार लगा दिए चैलेंज बाकी लीव कर सकते हैं किसी को कोई और मसला मसाइल हो ओके सर अल्लाह हाफिज सुल्तान बट बट साहब और फहद आहिस्ता आहिस्ता पहुंचते हैं बट साहब ठीक चीजें अटेंडेंस में लगा देता हूं जी बस ठीक है बाकी वैसे खुशी से बैठे हैं ठीक है जी हाफिज़ फिजान भट्ट और अब्दुल्ला बिशारत और शाम सरवर इनकी मैंने अटेंडेंस मार्क कर दी और कोई मेरे पास कोई क्यूरी नहीं आई तो आप लोग मीटिंग लीव कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच